फैमिली टाइम की हम सबकी अपनी एक डेफिनेशन होती है। कई लोगों को वीकेंड्स में मॉल जाना पसंद होता है और कई लोगों को लंबी छुट्टी लेके वेकेशंस पे जाना अच्छा लगता है। पर जब हम छोटे थे ना, तो हमारी फैमिली टाइम की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल हुआ करती थी। हम रात को खाना खाते थे और टहलने चले जाते थे, वहाँ पे इकट्ठे बैठ के आइसक्रीम खाया करते थे। मैंने कहीं पे सुना है कि फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, और मैंने इसे सच में काम करते हुए देखा भी है। तो क्यों ना हम सब अपने घरों में ऐसी रेसिपीज बनाएं जो बड़ों से लेकर छोटों तक सब पसंद करें, और आइसक्रीम से बेहतर और क्या हो सकता है। वीगन आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक छोटी कटोरी बादाम लेंगे, और आइसक्रीम को क्रीमी बनाने के लिए हमने एक छोटी कटोरी काजू की ली है। इन दोनों चीज़ों को हम रात को पानी में भिगोकर रख लेंगे। एक कटोरी बादाम और एक कटोरी काजू के लिए हम 3 कटोरी पानी का ले रहे हैं। इनको हम मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। हम इसे तब तक ग्राइंड करेंगे जब तक आपका मिल्क जो है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं हो जाता। आपको उसमें बादाम और काजू के टुकड़े बिल्कुल नजर नहीं आने चाहिए। दूध को पल्प से अलग करने के लिए अब हम इसको छान लेंगे। छानने के लिए सबसे पहले आप एक पतीला ले लीजिए, उसके ऊपर एक छन्नी रख लीजिए, छन्नी के ऊपर एक साफ कपड़ा रख लीजिए और दूध उसमें पोर कर लीजिए। कपड़े को इकट्ठे करते हुए हाथों की मदद से हल्का हल्का उसे दबा के दूध को अलग कर लीजिए। आज हम 2 आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, चॉकलेट आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तो सबसे पहले चलिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाते हैं। सबसे पहले ब्लेंडर के जार में हम स्ट्रॉबेरीज डाल लेंगे। तैयार किए हुए दूध में से हम 1.5 कटोरी दूध भी जार में ऐड कर लेंगे। 1 बड़ा चम्मच हम चीनी पाउडर ले रहे हैं, 1 छोटा चम्मच हम वेनिला एसेंस ले रहे हैं और चुटकी भर नमक। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। एक साफ बर्तन में इसको डालकर कम से कम 12 घंटे के लिए फ्रीज होने के लिए रख लीजिए। अब आइसक्रीम तैयार है। मैं आपके साथ एक छोटा सा टिप शेयर करना चाहूंगी। आइसक्रीम सर्व करने के आधा घंटा पहले आप अगर आइसक्रीम को फ्रीजर से निकाल कर रख लेंगे तो आपको स्कूप करने में आसानी रहेगी। आप चाहें तो आप अपने मनपसंद टॉपिंग्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी देखते हैं। चॉकलेट आइसक्रीम बनानी भी उतनी ही आसान है। सबसे पहले हमने जार में बचा हुआ 1.5 कप दूध डाला है, उसके बाद हम 2 बड़े चम्मच चॉकलेट पाउडर के डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच चीनी पाउडर का, थोड़ा सा वेनिला एसेंस और 1 चुटकी नमक। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। जब ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए तो इसको एक साफ बर्तन में डालकर एटलीस्ट 12 घंटे के लिए फ्रीज होने के लिए रख लीजिए। बच्चों को खुश करने के लिए ये आइसक्रीम आप कोन में भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपके पास कोन नहीं है तो आप इसको कटोरी में डालकर उतने ही मजे से खा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये वीगन आइसक्रीम की रेसिपी आपके फैमिली टाइम को ना सिर्फ स्वादिष्ट बनाएगी पर साथ ही साथ दिलचस्प भी बनाएगी। अगर आप अपने किसी दोस्त को जानते हैं जो अपने फैमिली टाइम में वैरायटी ढूंढ रहे हैं तो उनके साथ ये रेसिपी शेयर करना मत भूलिएगा।